हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पैरों के सूक्ष्मासन। सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठेंगे और हाथ को पीछे सहारा देने के लिए रखेंगे। पहले पैरों की उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे और फिर दोनों पंजों को आगे पीछे करेंगे। उंगलियों को स्थिर रखते हुए सिर्फ पंजे को आगे पीछे करेंगे। अब हम अपने दोनों पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। हमें अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है और सिर्फ पंजों को घुमाना है। पंजों में हल्का हल्का खिंचाव महसूस होना चाहिए। फिर अपने दोनों पैरों में गैप देकर पैरों को लेफ्ट साइड और राइट साइड में मोड़ेंगे और फिर अपने दोनों पंजों को स्थिर रखकर पैरों को ऊपर और नीचे करेंगे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। अब हम 10 सेकंड का गैप लेंगे और गुल्फ घूर्णन करेंगे। अपने एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की थाई पर रखेंगे और अपने पंजे को गोल गोल घुमाएंगे। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में करेंगे। फिर अपने घुटने को जमीन से लगाएंगे और फिर सीने से टच करेंगे। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। अब अपने पैर को दोनों हाथों में उठाकर लेफ्ट राइट करेंगे। ऐसा करने से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। सेम इसी प्रक्रिया को हम दूसरे पैर से करेंगे। ऐसा करते समय हमें अपना दूसरा पैर स्ट्रेट रखना है और साथ ही इनहेल एक्सहेल करना है। शुरू में हमें कम कम करना है और बाद में बढ़ाते जाना है। सूक्ष्म क्रियाएं योगासन और प्राणायाम से पहले की जाती हैं। इन क्रियाओं को किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहने के लिए यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी हैं। अब हम करेंगे तितली आसन। दोनों पैरों के पंजों को आपस में मिलाकर दोनों हाथों के पंजों से पैरों को लॉक करेंगे। फिर घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। शुरू में धीरे धीरे करेंगे, बाद में अपनी क्षमता के अनुसार गति बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, ये थे पैरों के सूक्ष्मासन। थैंक यू।